हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर व्लॉग। और हम आपको लेके जा रहे हैं जालंधर से गोवा। मैं मजाक कर रहा था, हम जाएंगे फ्लाइट पे। हमारी फ्लाइट है आदमपुर से दिल्ली की, और फिर दिल्ली से आगे हम जाएंगे गोवा। और चलो लेके चलते हैं आपको आदमपुर के एयरपोर्ट पे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। टाइम हो रहे हैं 12 बजने वाले हैं और हम आ गए हैं आदमपुर के एयरपोर्ट पे। लेकिन अभी हम बाहर पार्किंग में ही हैं, मेन एंट्रेंस नहीं, हमने अंदर नहीं घुसे अभी, क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग है कि 12:30 से पहले आप अंदर जा ही नहीं सकते हो अगर आपकी 2:30 बजे की फ़्लाइट है तो। और जो बाहर पुलिस के, मतलब जो पुलिसमैन बाहर खड़े हैं पार्किंग एंट्रेंस के लिए, मतलब उन्होंने हमें परमिशन दे दिया कि आप रिकॉर्ड कर सकते हो, नहीं तो वैसे यहाँ पे रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है। और अंदर जाके हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हम बाहर ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अभी हमारी फ़्लाइट जो है वो 2:30 बजे यहाँ से टेक ऑफ करेगी और 4 बजे के अराउंड दिल्ली पहुँचेगी, और फिर हम दिल्ली से आगे ट्रेन में जाएंगे गोवा की तरफ। ट्रेन हमारी स्लीपर क्लास है, विदाउट एसी है, गर्मियों के महीनों में वो भी। वो ऐसा क्यों है वो हम आपको वहाँ जाके बताएंगे। तो अभी जहाँ पे हम खड़े हैं ये है सिविलियन एयरपोर्ट, और इसके जस्ट पीछे ही जो आदमपुर का एयरबेस है वो है। तो ये जो एयरपोर्ट खुला है ये अराउंड 1.5 साल पहले इसकी इनॉग्रेशन हुई थी, और यहाँ पे पूरे दिन में सिर्फ एक फ्लाइट उड़ती है जो की जाती है दिल्ली, पूरे दिन में सिर्फ एक फ़्लाइट। और अभी हम उसी फ्लाइट में बैठने वाले हैं, और थोड़ा बहुत इस प्लेन के बारे में भी हम आपको बताएंगे जब हम प्लेन के अंदर बैठ जाएंगे। तो लेट्स गो। तो हम बैठ चुके हैं अपने प्लेन में, और जिस प्लेन में हम बैठे हैं उसका नाम है बम्बार्डियर Q400। ये कोई आम प्लेन नहीं है, ये एक टर्बो प्रॉप प्लेन है जिसके दोनों तरफ पंखे लगे हुए हैं। ज़्यादातर जो आपने प्लेन्स देखे हैं वो जेट टाइप होंगे, बट ये प्लेन जो है ये ज़्यादातर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ट्रैवल किया जाता है, जो कि कनाडा में बना है। इस प्लेन के अंदर 68-90 पैसेंजर्स की कैपेसिटी होती है, लेकिन जिस प्लेन में हम बैठे हैं उसमें 90 पैसेंजर्स आ सकते हैं। और इस प्लेन की जो टॉप स्पीड है वो 555 किलोमीटर से लेके 650 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। पुचिंग की आ गया है, तो लेट्स रोल आउट। तो अब हम आ गए हैं शिवाजी मेट्रो स्टेशन, और हम यहाँ से सीपी की तरफ जा रहे हैं। कुछ खाया नहीं है सुबह से, तो चाय की टपरी ढूंढ रहे हैं, कुछ चाय और बिस्किट का लुत्फ़ उठा सके। तो इधर से उस तरफ सीपी की और है, और लेट्स गो। यहाँ से क्रॉस करने की ट्राई कर रहे हैं हम विदाउट ज़ीब्रा क्रॉसिंग, और ये बंदा कह रहा है कि ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि चलान हो जाएगा। हम करके दिखाएंगे, लेकिन हम आपको करके दिखाएंगे। अभी गाड़ियां आ रही हैं, थोड़ा रुक जाओ। हम असल में जलंधर से, जलंधर में नहीं होती ज़ीब्रा क्रॉसिंग। अब हम जाएंगे, ऐसे करते हैं दिल्ली में सड़क क्रॉस। पैटी कितने की है? 60 रुपए की पैटियाँ हो गई, और चाय हो गई अपनी शायद 10 की, चाय शायद 10 की होगी या ज़्यादा से ज़्यादा 20 की होगी। 120 रुपए का शायद अभी हमने खा लेना है। तो हमारा जो पूरा बजट है वो है 600 टोटल, और सुबह से खर्च चुके हैं हम 170 रुपये प्लस 120 हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 290-300 के अराउंड। तो मतलब रात को सिर्फ 300 रुपये का ही खा सकते हैं। तो हम आ गए हैं अब सेंट्रल पार्क। ये फ्लैग देख के आपको पता लग ही गया होगा, और अभी वक्त हो रहा है 5:30, और हमारी जो ट्रेन है उसकी टाइमिंग है 9:30 के अराउंड।
तो हमें यहाँ से 7:30 से पहले पहले निकलना है क्योंकि हमें डिनर करके वहाँ पे अपनी ट्रेन स्टेशन पहुँचना है. और यहाँ पीछे देख सकते हो यहाँ पे कोई न्यूज़ 9 करके कोई चैनल है, उसकी यहाँ पे रात को लाइव डिस्कशन होनी है. तो अगर वो 7 बजे से पहले पहले हुई तो शायद वो भी देख के जाएंगे. और अभी हम खाने की सोच रहे हैं कि रात के लिए क्या खाया जाए, बट यहाँ पे हमें कोई रेस्टोरेंट्स वगैरह पता नहीं है. तो 7 बजे के अराउंड हम सोच रहे हैं यहाँ से निकलें और फिर खा के हम डायरेक्ट ट्रेन स्टेशन अपने जाएं और अपनी ट्रेन पकड़ें गोवा के लिए. तो अभी हम सेंट्रल पार्क से निकलने लगे हैं कुछ खाने के लिए. तो हमने सुना है कि उस तरफ बर्गर किंग है जिसके अंदर अभी कॉम्बो डील चल रही है, 2 बर्गर फॉर 59 रुपीज़. तो अगर वो हमें डील मिल जाती है तो हम एक बर्गर वहीं खा के और एक बर्गर अपने साथ ट्रेन स्टेशन ले जाएंगे रात के रात को अगर भूख लगी तो तब खाने के लिए. तो लेट्स गो. ये 3 क्रिस्पी चिकन बर्गर और हमने एक डील मिस कर दी है जो कि पीछे है. 59 पे 2 मिल रहे थे और हमने 3 खरीदे हैं 180 के अराउंड. और अब हम कोक लेने जा रहे हैं क्योंकि अंदर कोक महंगी मिल रही थी, तो हम बाहर से एक बॉटल ले लेंगे 600 ml की जो कि हमें अराउंड 25 या 30 रुपीज़ की पड़ेगी, जो कि यहाँ पर मिली थी हमें 100 रुपीज़ के अराउंड की. तो वी आर सेविंग सम मनी. कोक मिल जाएगी छोटी चाहिए. पानी ₹70. ये हमने बर्गर ऑर्डर किया है और हम कोक अभी लेकर आए हैं. काफ़ी चलना पड़ा हमें कोक लेने के लिए, देखते हैं कैसा स्वाद है. नॉट गुड. अंदर क्या है? थोड़ा सा गर्म और होता प्याज और चिकन की टिक्की है. खोल के दिखा. और ये थोड़ी सी सॉस डाली है मैंने, ऐसा दिखता है. मेयोनीज है और सिर्फ 69 रुपीज़ का है. क्योंकि हमें कोक नहीं मिल रही थी तो हमें काफ़ी चलना पड़ा, तो ये थोड़ा ठंडा हो गया पर ठीक है. तो हम आ गए हैं हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन. हमारी जो ट्रेन है वो 9:30 बजे आएगी प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर, जो कि हमें ले जाएगी गोवा. और जो हमारा पूरा सफ़र है वो होगा 30 से 35 घंटों का. तो अगर आप कोई भी मूवमेंट मिस नहीं करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो भी हमारी न्यू वीडियो आएगी उसका आप लुत्फ़ उठा सको. और लाइक एंड शेयर करना मत भूलना. हमारी ट्रेन 30 से 35 मिनट में आने वाली है और फिलहाल आप देख लो पटरी के हालात कुछ अच्छे नहीं हैं.
रेलवे स्टेशन तो अच्छा है, काफ़ी साफ़ सुथरा है, बट जो पटरी है वो काफ़ी मूत से भरी हुई बदबूदार है। तो गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए पटरी को थोड़ा साफ रखने के लिए, कंटेनर्स लगाने चाहिए ट्रेनों के अंदर ताकि नेक्स्ट स्टेशन के ऊपर उसे खाली कर दिया जाए और बदबूदार ना रहे प्लेटफॉर्म। हम ट्रेन में बैठ गए हैं और सोने की तैयारी हो रही है। हमारा सफ़र जो था वो 9:45 पे शुरू हुआ था लेकिन अभी हमें गोवा पहुंचने में 30 से 35 घंटे लगेंगे। तो अभी लाइट्स बंद हो रही थी तो हमने सोचा कि इस ब्लॉग को एंड कर दिया जाए। तो कल की ब्लॉग के अंदर हम दिखाएंगे इस पूरी ट्रेन का टूर देंगे आपको और एक बहुत ही अनोखी चीज़ दिखाएंगे जो कि आपने कभी भी नहीं देखी होगी। तो अगर आप हमारे जो नेक्स्ट ब्लॉग है उसको मिस नहीं करना चाहते तो आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो और कमेंट करो कि हम कौन सी नेक्स्ट जगह पे कहाँ पे जाएं। पीस आउट। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं अपने होटल में लेकिन अभी हमने बेल रिंग की थी तो कोई खोल नहीं रहा है।